नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं भानु प्रताप। इस समय मैं मौजूद हूं अयोध्या के चौरे बाजार क्षेत्र में, जहां पर आप देख रहे हैं जो भगवान प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं सब बैठे हुए हैं मेरे पीछे। अभी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है, उसी के लिए सब लोग खुश हैं। और ये जो आज यहाँ पर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है लोगों के द्वारा, ये भगवान प्रभु श्री राम के लिए जो कि मंदिर में स्थापित हो रहे हैं 22 जनवरी को, इसलिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं आज चौरे बाजार में। इसी प्रस्तुति में यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पे जो है डीजे के साथ, गाने बाजे के साथ भगवान प्रभु श्रीराम की एक झांकी निकाली गई चौरे बाजार में। आइए, प्रभु श्रीराम के जो भक्त हैं यहाँ पे, उनसे बातें करेंगे और जानेंगे जो इनकी तैयारियाँ क्या हैं प्रभु श्रीराम के लिए, जो कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में है। आइए जानते हैं। जी सर, हम जानना चाहेंगे आज जो ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं भगवान प्रभु श्री राम के लिए, जो कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है, इसलिए पूरे बाजार के जो क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए हैं। हमने देखा चौरे बाजार में झांकी भी निकाली गई, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जय सिया राम। सभी भक्तगणों से यही निवेदन है कि जैसा कि चौरे बाजार में तैयारी चल रही है जी, भगवान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ही कार्यक्रम कल से ही शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले कलश यात्रा और अक्षत वितरण का कार्यक्रम चौरा बाजार में था, अभी यहाँ सुंदरकांड का कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये कार्यक्रम इस बाज़ार में लगातार अब 26 तारीख तक चलता रहेगा, तो डेली कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहेगा। आज सुंदरकांड का कार्यक्रम है, 21 तारीख को बहुत भव्य तरीके से राम दरबार की झांकी निकाली जाएगी, उसमें उस दिन सुंदरकांड भी होगा, झांकी निकाली जाएगी, भजन कीर्तन होंगे, भंडारे होंगे, प्रसाद वितरण होंगे। फिर 22 तारीख को दीपावली की तरह पूरा एकदम भव्य तरीके से मनाया जाएगा, भंडारा कई जगह से होगा। जैसे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सबसे देशवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी को सब तो नहीं पहुंच सकते वहां पर, लेकिन लोग जहां पर भी हैं अपने नज़दीक के जो मंदिर हैं वहां दीपोत्सव दीपक जलाएं, कार्यक्रम करें घर पर। बिल्कुल, दीपावली में जैसे लोग अपने घर पर कार्यक्रम मनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, ठीक उसी तरीके से होना है। और बाहर से जो श्रद्धालु आएंगे, भक्तगण आएंगे, चूँकि बॉर्डर का है ये, सुल्तानपुर अयोध्या का बॉर्डर है, तो यहाँ भी उनकी सेवा भी हम लोग करेंगे, रात भर भंडारे चलते रहेंगे, भजन कीर्तन चलते। तो आपके बाजार में इसके लिए क्या तैयारियाँ जोरों पर हैं? बिल्कुल, पूरे बाजार में बिल्कुल एकदम उल्लास है, एकदम पूरे सभी राममय हो गए हैं, वातावरण राममय है, झंडा लग रहे हैं चारों तरफ, बल्लियाँ गाड़ी जा रही हैं, ट्यूबलाइट वगैरह बांधे जाएंगे, हॉर्न भी चारों साउंड भी बांधे जाएंगे 10-15-20 इसमें से। पूरे बाजार के लोग एकदम उत्साहित हैं, पूरे चरम पे है उत्साह उनका, पूरे भव्य तरीके से दीपावली और मनाया जाएगा। हमने अभी कल अयोध्या भी हम लोग गए थे, अयोध्या में हम राम की पैड़ी सरयू घाट वहाँ भी गए और वहाँ लोगों में देखा वो उत्साह। लोग अहमदाबाद चल कर आए थे, मुंबई से चल कर आए थे, हमने जो पहली फ्लाइट अहमदाबाद से आई हुई थी उन लोगों से भी, श्रद्धालुओं से बात की, उन्होंने बताया हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी अयोध्या राममय है, ऐसा लग रहा है हम त्रेता युग में हैं। अयोध्या में जो भी भक्त कहीं से भी पूरी दुनिया से आ जाएगा, वो उसका जाने का मन नहीं करेगा, इसमें जो वातावरण अयोध्या में है। और ये इंटरनेशनल इवेंट बनने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बनने जा रहा है, आप जान लीजिए इस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है, अपने आप में एक अनूठा और बहुत ही दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है अयोध्या में। जैसा कि अभी यहाँ पर कल अभी आदरणीय योगी जी आए थे, उन्होंने कई जैसे कि इलेक्ट्रिक सौगात दे के गए अयोध्या वासियों के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं भरत कुंड से अयोध्या धाम के लिए या शहादतगंज से अयोध्या धाम के लिए ई वाहन और ई रिक्शा वाहन, ऐसे कई बसों की भी सौगात दी अयोध्या वासियों के लिए। बिल्कुल, सरकार एकदम तन मन से जुट गई है कि अयोध्या में हम क्या नई चीज़ लागू कर दें, कितनी सुविधा भक्तों को दे दें। उसी कड़ी में यह भी है, जैसे अपने इलेक्ट्रिक बसें और रिक्शा उतारने का सरकार का यही मंतव्य है कि भीड़ ना होने पाए अंदर में, तो जो सरकारी गाड़ियां हैं अपने स्थान पर रहेगी, जो श्रद्धालु फ्लाइट से आएंगे, रेलवे स्टेशन पे आएंगे, बस स्टैंड पे आएंगे, उनके लिए वहां से कारें और इलेक्ट्रिक बसें और ये अपना ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक ये वहां पे तैयार खड़ी रहेगी, आपको भाड़े के अपने सरकारी हिसाब से भाड़ा लेंगे और आपको अपने गंतव्य पे पहुँचाएंगे, पूरा दर्शन कराएंगे अयोध्या का। जैसा कि अभी हमने देखा अयोध्या जो धाम है, पहले की तरह अब जो है सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, अब पहले जो है ऐसे जाने में अब ऐसा लगता है अयोध्या बदल गई है, जब वहां आप जाएंगे ऐसा वहां का जो नज़ारा आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि पहले की तरह अयोध्या में काफ़ी बदलाव आया जो अब जो समय में, क्योंकि पहले तो लोग अयोध्या को जानते तब भी थे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना अब है, क्योंकि अब लोग जो बाहर से देश विदेश से लोग चलकर आ रहे हैं, लोगों के अंदर इतना जुनून है, लोग इतनी दूर दूर चलकर आ रहे हैं। अभी दीपोत्सव का जो कार्यक्रम हर साल होता है, लगभग 20-25 लाख रिकॉर्ड बनाया जाता दिए जलाकर, तो ऐसे ही लगातार जो है अयोध्या धाम जो है विश्व स्तरीय में बहुत आगे जा रहा है। और यहाँ जो योगी सरकार है,
लगातार सुविधाएं अयोध्याओं के लिए मुहैया करा रही है। जैसे कि अभी देख लीजिए रोडों का चौड़ीकरण, हम अभी अयोध्या में गए, हमने देखा कि रोडों का चौड़ीकरण लगातार हो रहा है। कोई भी अगर आप कोई गली आपने देखा होगा, पहले इतनी पतली थी, अब जाकर देखिए अयोध्या में क्या बदलाव हुआ और वो गली अब चौड़ी हो गई है। भैया मैंने अभी बताया कि इंटरनेशनल इवेंट होने, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होने जा रहा है। अयोध्या के लिए जो सौगात सरकार दे रही हो, चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार हो, क्योंकि जो हमारे आराध्य देव हैं भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली है, ये अपेक्षित रहा है। पिछली सरकारों में अपेक्षित रहा है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। राजनीति के चक्कर में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे आंखों के सामने राम मंदिर बन के तैयार हो गया, 22 को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। हम तो लगातार अब रोज दर्शन करेंगे। सरकार इसके लिए जितना कर दे उतना ही कम है, क्योंकि हम लोग तरस गए थे, कोई सोचा नहीं था कि इस तरह कार्यक्रम हमारे यहाँ होगा। वैसे ही बाबा भोलेनाथ का ये देवस्थल है, बहुत पुराना देवस्थल है, हम लोग सोच रहे हैं कि कार्यक्रम यहाँ हर दिन प्रतिदिन कराया जाए, और लोगों में उत्साह भी है कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर पे कार्यक्रम होने जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बन भी गया है। तो अयोध्या की धरती ये भी है, तो उसी कड़ी पे अयोध्या का इसीलिए कहा जा रहा है नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, तो ये तीनों चीज़ें अब देखने को मिली जी। चलिए धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने सर से बात की, उन्होंने अयोध्या के बारे में बताया और यहाँ की विकास चर्चाओं पर बात की। हम आइए और कुछ लोगों से बातें करेंगे जी। जी सर, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या के बारे में आप कुछ कहिए। अयोध्या हमारी बहुत पूर्ण धरती है, बहुत दिनों से है, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी से परिपूर्ण है, तन मन धन से हर तरह के लगे हुए हैं। ऐसा चाहिए, ऐसा सब लोग। के चौरे बाजार में भगवान प्रभु श्री राम की झांकी निकाली गई, उसी के संबंध में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। आज जो है प्रभु श्री राम की भक्ति में लोग लीन हो गए हैं। यहाँ हम आइए बच्चों से बात करेंगे कि बच्चों के अंदर कितनी भक्ति है भगवान श्री राम के लिए, आइए जानते हैं। जी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग जो भगवान श्री राम जी का जो अयोध्या उत्सव मना रहे हैं, तो आपको किस तरह से आप मना रहे हैं, आप बताइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही एकदम खुशी का माहौल है। हाँ जी, हम लोग अयोध्या में रहते हैं, हमारा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपको लगता था कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, आपको कल्पना की थी कि बनकर इस तरह तैयार हो जाएगा? कल्पना नहीं किए थे, अखिलेश की सरकार में तो बिल्कुल नहीं कल्पना किए थे। योगी का राज है तभी मंदिर बनकर तो तैयार। आप कुछ कहना चाहेंगे? राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और चौरे बाजार का ही बच्चा नहीं, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है। कुछ लोग और से बातें करेंगे जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे भगवान श्री राम के लिए? जय श्री राम। अयोध्या हमारी मातृभूमि है, हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है कि हम अयोध्या निवासी हैं। इतने वर्षों के बाद हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, इससे हम भारतवासियों के बीच बहुत खुशी का माहौल है। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार भगवान श्री राम जी का जयकारा लगा दीजिए। जिला अयोध्या का भौकाल था, भौकाल है, भौकाल रहेगा। जय श्री राम। तो एक बार कोई भगवान श्री राम, भगवान प्रभु श्री राम के लिए कुछ दो लाइनें गुनगुना दीजिए सभी लोग। जय जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। बच्चों से आइए, छोटे बच्चों से जानते हैं। आइए कुछ लाइनें जो लाइनें हैं दो लाइनें गाएंगे बच्चे जी। बेटा आप कुछ बोलिए, गाना गा दो। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे,
रंग ना सज।